तो प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बात करते आ रहे हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थ्योरी, एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन, इंटेंसिटी कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन, ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। और प्रीवियस लेक्चर से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करते हैं चल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, और इलस्ट्रेशन जो है उसमें से हमारे जो गिवन न्यूमेरिकल हैं, बचे हुए न्यूमेरिकल जो हैं, उनको आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको लिए थे, और आज के लेक्चर में कुछ और अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। सो ध्यान से समझने की कोशिश करें। लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन। क्वेश्चन 6 तक मैंने लास्ट टाइम आपको सॉल्व कराया था, अब क्वेश्चन 7 अपना रह गया था, तो क्वेश्चन 7 से हम लोग अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें टू कोहरेंट सोर्सेस के बारे में बताया गया है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि कोहरेंट, इस पर हमारा ज़्यादा डिस्कशन वेव ऑप्टिक्स इस चैप्टर पर होगा, तो फिलहाल इस पर कुछ खास हम लोग ध्यान नहीं देंगे इसको, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सोर्स की तरह इसे मानकर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देर आर टू डिफरेंट सोर्सेस S1 एंड S2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 लैम्डा, एंड दे इमिट अ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इन फेज एज शोन इन द फिगर। एक सर्क्युलर वायर है जिसका रेडियस 100 लैम्डा है, वो S1 S2 को सराउंड करती है, उसके अक्रॉस लगाई गई है, और S1 S2 को जो है वो बराबर इन प्लेन रखा गया है, मिड पॉइंट से थोड़ा सा सेपरेट करके, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। अब यहां पर हमें दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाइंड द एंगुलर पोजिशन थीटा ऑन द वायर फॉर विच द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर हमें मिलेगा ये निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का भी यही मतलब होता है बच्चों, मैक्सिमा का मतलब भी कंस्ट्रक्टिव होता है, एडिशन, एनहेंसमेंट, मैक्सिमा। और इसका बिल्कुल उल्टा अगर हम बोले मिनिमा, इसका मतलब हुआ कि कैंसलेशन, सेपरेशन, माइनस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क। फिर दूसरा क्वेश्चन उसी सेंस में है, लेकिन हमें निकालना है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी जो है वो हाफ कहाँ होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए जरा इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो स्क्रीन हमारे पास अब है वो एक सीधी स्क्रीन न होते हुए एक सर्कल के पैटर्न में है। स्क्रीन मतलब वो जगह जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑब्जर्व करनी है। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कुछ इस तरीके के दो एग्जांपल्स बताए थे कि सोर्स मैं ऐसे रखता हूँ और स्क्रीन ऐसे सामने रखता हूँ, या सोर्स मैं ऐसे आमने सामने रखता हूँ और उसको परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे स्क्रीन लगाते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, और इस वाली सिचुएशन को भी मैंने डिस्कस किया था। फिर आपके सामने मैंने काफ़ी डिटेलिंग की थी कि इस तरीके से अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो मिड पॉइंट पर मुझे फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस 0 मिलता है, और इन्फिनिटी जो है वहाँ पर मुझे मैक्सिमम और डी मैक्सिमम मिलेगा, पाथ डिफरेंस। और इस तरीके से अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ तो इस लाइन पर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम पाथ और इन्फिनिटी पर मुझे 0 पाथ डिफरेंस। जीरो ये सारी कंडीशंस हम सीख चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको एक स्टेटमेंट वहां रिकॉर्ड करवाया था कि इस तरीके के जब भी अरेंजमेंट्स हम करेंगे, और पर्टिकुलरली कोहरेंट सोर्सेस का जब हम इस्तेमाल करेंगे जिनमें इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है या पाथ डिफरेंस नहीं है, तो स्क्रीन पर जहां कहीं भी हम कंसिडरेशन लें, चाहे इस तरीके का अरेंजमेंट चाहे इस तरीके का अरेंजमेंट, मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस डेवलप होता है वो कितना होता है? डी। यानी कि हाँ, वेरी गुड, ये कोई लड़का बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, मैक्सिमम जो पाथ डिफरेंस डेवलप होगा, चाहे ऐसा अरेंजमेंट कर लूं मैं या चाहे ऐसा अरेंजमेंट कर लूं, वो होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। अब यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो दो सोर्सेस रखे गए हैं ये ऐसे रखे गए हैं, लेट से कि दिस इज सोर्स S1 एंड दिस इज सोर्स S2, और हम चाहें तो आसानी के लिए इस पूरे सर्कल को ऐसे क्वाड्रेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दिस, ये ऐसे चार क्वाड्रेंट हम इसके बना देते हैं, सच दैट द सेंटर इज एट द ओरिजिन या ओरिजिन इज एट द सेंटर।
अब इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो गैप हमको दिया गया है वो कितना बताया गया है? केयरफुली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो गैप हमें यहाँ बताया गया है दोनों सोर्सेस के बीच का, पढ़े तो हमें समझ में आएगा ये गैप है 2 लैम्डा। यानी कि इस अरेंजमेंट में अगर मैं चेक करूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मुझे जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो पाथ डिफरेंस डेवलप हो सकता है वो कितना होगा? 2 लैम्डा। इससे ज्यादा पाथ डिफरेंस डेवलप नहीं होने वाला। व्हाट माय पॉइंट? यस यस। अब देखिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हमें कहाँ मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि इस जगह पर ये लाइट की रे ऐसे पहुंची और ये वेव, कह लेते हैं लाइट की रे की बजाय ये वेव ऐसे पहुंची, क्या दोनों वेव्स ने आइडेंटिकल पाथ ट्रेवल किया? यस। तो यहां पर जो मुझे पाथ डिफरेंस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? जीरो, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल आइडेंटिकल डिस्टेंस इसमें ट्रेवल करा है। तो यहां जो मुझे पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा वो जीरो मिलेगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां एक पॉइंट लेते हैं। तो यहां जो मुझे पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि S1 से निकलने वाली लाइट रे ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जरा इस रेड डॉट की तरफ फोकस करना, ये पूरा डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, जबकि S2 से निकलने वाली वेव जो है वो सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब इनके डिस्टेंस में साफ साफ फर्क दिख रहा है हमको, डिफरेंस हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वो कितना है? 2 लैम्डा। मतलब इस जगह पर मुझे जो पाथ डिफरेंस पॉसिबली मिल सकता है वो 2 लैम्डा मिल सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बीच में कहीं मुझे लैम्डा मिलेगा, क्योंकि जीरो अगर इधर है और 2 लैम्डा इधर है तो डेफिनेटली यहाँ बीच में कहीं मुझे, इधर उधर कहीं बीच में मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा। वैसे ही इस पॉइंट को अगर मैं चेक करता हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा? 2 लैम्डा। या इन बिटवीन अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा। और वैसे यहां चेक करता हूं तो यहां क्या मुझे मिलेगा? जीरो। यहाँ इन बिटवीन चेक करूंगा तो यहाँ भी मुझे लैम्डा मिलेगा, और यहाँ इन बिटवीन चेक करूंगा तो यहाँ भी मुझे लैम्डा मिलेगा। बराबर चल रही है बात? Yes or no? Yes, sir. इसका और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। वहां पार्ट डिफरेंस में 2 लैम्डा नहीं लूंगा, बहुत बड़ा पार्ट डिफरेंस ले लूंगा, 99.5 लैम्डा, 99 लैम्डा, ऐसा कुछ भी ले लूंगा मैं। तो वो उस चैप्टर के लेवल पर डिस्कशन किया जाएगा जब वो आएगा तब, लेकिन उसका एक हल्का फुल्का वर्जन आप कह लो कि उसकी एक शुरुआत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजें आंसर करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज तुम्हारे सामने हाईलाइट करता हूं। हमें पता करना है कि टोटल कितने ब्राइट या मैक्सिमा हमको मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव कंडीशन हमें कितनी मिलेगी टोटल। तो ये देख के भी समझ में आती है कि कंस्ट्रक्टिव कंडीशन के लिए, यानी कि मैक्सिमा, फर्क है यहाँ पे, ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम में कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो, ये मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस की बात चल रही है, ये मैक्सिमा का मतलब क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इस सिचुएशन के लिए बेटा जो पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड होता है वो होता है 0, λ, 2λ, so on, बराबर है? तो yes. ये डायग्राम पूरी आपके सामने आ चुकी है। अब आप गिन लो कितने मैक्सिमम मिलेंगे। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, That's it. आई ना बात समझ? Yes, sir. ठीक है, तो हमें पूरे सर्कल पर जो पॉसिबली ब्राइट बैंड मिल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिल सकती है, वो मिलेगी 8 नंबर ऑफ मैक्सिमास। पहले पार्ट का तो हमने आंसर निकाल लिया, टोटल 8 मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड। अब इसको ऐसे ही गिनना है जैसे मैंने गिना, नहीं तो हम क्या करेंगे, डबल डबल गिनना चालू करेंगे। देखो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से जीरो भी आएगा, लैम्डा भी आएगा, लेकिन अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो इस क्वाड्रेंट का जीरो इसी जगह पर आएगा, तो वो एक ही गिना जाएगा। बता दिए समझ में? या फिर कोई कंफ्यूजन मत करो, सीधे सीधे काउंटिंग कर लो जैसे मैंने अभी किया,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बराबर? यस सर। तो टोटल एट मैक्सिमा हमें मिले, बट अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज पूछी गई है कि वो थीटा पता करें जहां पर हमें ये मैक्सिमा मिल सकते हैं। एक थीटा तो हमारा जीरो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। दूसरा वाला जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? 90। हाँ। तीसरा वाला जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? 180। ये आएगा वापस से 70। अब खाली यहाँ बीच वाले फैक्टर्स हमको आइडेंटिफाई कर लेने हैं कि ये कहाँ होने वाला है। अगर हम ये कहाँ होने वाला है ये पकड़ लिए इस बात को, तो ये पूरा फिर एक सर्कुलर पैटर्न में बराबर सिमेट्री में चलेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा रिट्रेस करता हूं, दोबारा आपके सामने बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये S1 सोर्स, ये S2 सोर्स, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मान लेते हैं कि ये वेव्स पहुंची ऐसे और ऐसे करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है ना? अब ये जो गैप है कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया कितना है, 2 लैम्डा। पाथ डिफरेंस निकालने का हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड सा प्रोसीजर ये होता है कि हम सीधा ऐसे एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं और यहां हम लोग गिनते हैं एक थीटा। अब चलो इमेजिन करो कि इस पॉइंट को बेटा मैंने पी नाम दे दिया, तो आप खुद ही देखो कि S1 से P तक जाते जाते और S2 से P तक जाते जाते क्या सिर्फ ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा? जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूं, इसको मैं कॉल करता हूं M, तो हम ये कह सकते हैं कि M से P तक का डिस्टेंस और S2 से P तक का डिस्टेंस आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चलना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पाथ कितना कवर करना पड़ रहा है? SM. S1 से लेके M, और ये S1 से लेके M जो है ना ये कुछ और नहीं है बल्कि ये यहाँ पे क्या है, पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस को एनालाइज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं cos of theta. So if you just write cos of theta, तो आप ये देखोगे कि हम इसे लिख पाएंगे path difference PD divided by 2 lambda as a trigonometric equation. Therefore, this path difference is nothing but equal to 2 lambda cos theta. अब हम ये जानते हैं कि यहाँ बीच में कहीं जो हमें मैक्सिमा एक्सपेक्टेड है उसका path difference कितना है, लैम्डा होगा, तभी ये बात बनेगी। बीच में कहीं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके लिए लैम्डा ही का हमें एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। जीरो तो हो चुका 90 पे आएगा, 2 लैम्डा तो हो चुका 0 पे आएगा, है ना? तो अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ कहीं हम मैक्सिमा की बात करें तो इस पाथ डिफरेंस को हमें कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लैम्डा। तो हमने बस इसको चुपचाप से लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया, ये हो गया 2 लैम्डा। फर्दर कैरी करते हैं कॉस ऑफ थीटा, एक हल्का फुल्का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ बनाएंगे, cos of theta is equal to half, lambda कटने के बाद 60 degree, the value of theta is equal to 60 degree, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि pi by 3 radian, ठीक है? बात आई समझ? Yes sir. अब हम चाहे तो पूरे एंगुलर रिप्रेजेंटेशंस बता सकते हैं, चाहे तो पूरे एंगुलर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल वन बाई वन हम बता सकते हैं। जैसे ये वाला कितना होना चाहिए, जीरो डिग्री, कहाँ पे आएगा, 60 डिग्री। बहुत ध्यान से करना, गड़बड़ भी हो सकती है, गलती भी कर सकते हो बेटा तुम। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये वाला कहाँ आएगा, 90 डिग्री। ये वाला कहाँ आएगा, 180 डिग्री। ये वाला कहाँ आएगा, 120 डिग्री। ये यहाँ नीचे से 60 गिनना है तो यहाँ से भी 60 गिनना पड़ेगा, ये समझो बात। यहां से भी इसको 60 ही गिनोगे तुम, 180 में वापस से 60 मिलाओ, 240 डिग्री। ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब बेटा अगर मैं घूम के पूरा यहां तक आता हूं तो ये 360 होगा, और यहां से नीचे 60 मतलब 300। शाबाश, 300 डिग्री। तो ये वो एंगुलर पोजीशंस हो सकती हैं जहां पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब जानिए, मैक्सिमा का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है? यहां पर मैं इसे किसी एक पर्टिकुलर
कंडीशन की तरह या कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर फेनोमिना की तरह नहीं ले रहा हूं, बस मैं इसे बेसिक थियोरेटिकल एस्पेक्ट की तरह आपके सामने रख रहा हूं कि सुपरपोजिशन कैसा होता है। यही सुपरपोजिशन बच्चों हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे लाइट की, इंटरफेरेंस नाम आएगा उसका, सेम सुपरपोजिशन आएगा वहां पे भी। ओके, तो क्वेश्चन वन की सारी बातें हमने आंसर कर ली, अब बात करते हैं क्वेश्चन टू में। फाइंड द एंगुलर पोजिशन थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले ही क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ऑन द वायर फॉर विच द इंटेंसिटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वो पोजीशन बताओ एंगल में जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू की हाफ होती है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपके सामने ये भी बातें रखना चाहता हूं कि इसमें मिनिमा कितने आएंगे। तो लॉजिकल बात है कि दो मैक्सिमा के बीच में हमेशा क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। जैसे देखो, जीरो और लैम्बडा की बजाय लैम्बडा बाई टू अगर पाथ डिफरेंस कहीं आता है तो वहां पर डार्क या मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। क्या यहां पर हमें एक डिस्ट्रक्टिव कंडीशन एक्सपेक्टेड है? यहां पर एक डिस्ट्रक्टिव कंडीशन एक्सपेक्टेड है दो मैक्सिमा के बीच में। अब मैं इसके एंगल्स वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, बस जस्ट ऐसे ही आपको बता दूं, यहां पर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेक्टेड है, यहां पर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेक्टेड है, यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव एक्सपेक्टेड है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब गिन के बताइए कितने डिस्ट्रक्टिव हो गए इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये बड़ा ही यूनिक सा एग्जांपल बन गया जिसमें 8 ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव आ रहे हैं और 8 ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। ठीक, यस सर। अब आते हैं इस मेन क्वेश्चन पे कि हमें ऐसी एंगल ढूंढनी है, ऐसी पोजीशन ढूंढनी है, ऐसी जगह ढूंढनी है हमें जहां पे हम ये चाहते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाए, इंटेंसिटी हो जाए हाफ ऑफ मैक्सिमम। एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी है मैक्सिमम का हाफ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कह लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एक या दो लेक्चर, सॉरी एक लेक्चर ही पीछे जाना चाहिए, इसमें मैंने आपको इंटेंसिटी के पूरे कैलकुलेशन सिखाए थे। तो आपको याद होगा कि किसी गिवन प्रॉब्लम में सुपरपोजिशन होते वक्त अगर दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी सेम होती है तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखी जाती है 4i cos square theta by 2। बराबर है? Yes, sir. है, याद करो, लेट मी गो थ्रू इट। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 सही है? Yes, yes, sir. और मैक्सिमम इंटेंसिटी हमेशा कितनी होती है? 4i। अब फिलहाल प्रॉब्लम में हमें लिखना चाहिए 4i/2। सोचिए जरा, हमें लिखना चाहिए 4i/2। तो बच्चों दोनों साइड से ये 4i फैक्टर कट जाएगा और हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर थीटा by 2 इज इक्वल टू हाफ, विच सिंपली मींस cos ऑफ थीटा by 2 इज इक्वल टू 1/√2। जिसका सीधा मतलब ये है कि थीटा by 2 45/4 is equal to pi by 4. Yes. Correct है? Yes. Which means that theta is equal to pi by 2. Yes. तो कितने path difference पर for a पाथ डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ मैक्सिमम। अब यहां पर मैं करेक्शन करना चाहता हूं बच्चों, मैंने क्या करना चाहिए, इसको थीटा यूज नहीं करना चाहिए बल्कि मैंने इसको फाई यूज करना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां पे दो दो थीटा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले को उसके स्टैंडर्ड पैटर्न में लिखता हूं।
जैसे हमने डेराइव करते वक्त लिखा था पाई, तो ये जो चीज हमको मिली ना, ये क्या मिली, क्या मिली हमको ये? मिनिमा? नहीं 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 नहीं, हमको क्या मिला ये? क्या मिला हमको? ये मिला फेज डिफरेंस। ठीक है, यहां भी मुझे करेक्शन करने दो, पार्ट डिफरेंस लिख दिया मैंने गलती से इसको। फेज डिफरेंस मिला हमें 90 डिग्री का। जब फेज डिफरेंस होगा इस सिचुएशन में, तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम की हाफ होगी। अब मैं चाहता हूं कि इस फेज डिफरेंस का हम करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालें। तो आप रिकॉल करिए, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय 2 फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, शाबाश। तो हमें मिला पाथ डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई इन टू दिस बिकम बाय 2, तो हमें मिला लैम्ब्डा बाय 4। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से सोचें तो पाथ डिफरेंस का एक इक्वेशन हमने बना लिया है जो कि ऐसा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जहां पर ये ऐसे सर्कल वर्कल लगाया, सेंटर जे अक्रॉस दोनों सोर्सेस इस तरीके से अटैच करके रखे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए हमारे पाथ डिफरेंस का ये इक्वेशन है 2 लैम्ब्डा कॉस थीटा। और हमको फिलहाल कितना पाथ डिफरेंस मिला? हाँ, तो इसको रीयूज करें आप, बोले ऐसे बट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्ब्डा कॉस थीटा। अब यहां ये थीटा क्या है? तो यहाँ ये थीटा, ये एंगल है जितने एंगल पर हमें ये मिनिमा मिलने वाला है। बात समझ आई? और यहाँ ये फाई क्या है? यहाँ ये फाई फेज डिफरेंस है। दोनों में कंफ्यूज मत करो, नहीं तो तुम यहाँ डर जाओगे। 90 डिग्री मतलब तुम बोलोगे सर 90 डिग्री पे तो ऑलरेडी मैक्सिमम बन रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम का हाफ कहां से आएगा? तो ये 90 डिग्री असल में क्या बता रहा है? फेज डिफरेंस। और यहाँ ये जो 90 वगैरह की बातें चल रही है, ये 120, 60, 300, ये जो बात चल रही है ना, ये इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग एंगुलर पोजीशन है। दोनों में फर्क है। अच्छा, अब हमें इस प्रॉब्लम के हिसाब से, जहां पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम की हाफ होती है, उसके लिए कितना फेज डिफरेंस कैरी करना पड़ेगा? लैम्ब्डा बाय 4। यहाँ हटा दें इसको, लिखें लैम्ब्डा बाय 4 इज इक्वल टू 2 लैम्ब्डा cos 6। लैम्ब्डा लैम्ब्डा कट गया, हमें एक्सपेक्टेड आंसर यहां मिला cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/8। तो फाइनली हमें आंसर मिलता है थीटा इज इक्वल टू cos inverse of 1/8। ये वो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जहां पर इंटेंसिटी हाफ ऑफ मैक्सिमम हमें मिलेगी। तो क्वेश्चन काफी टिपिकल था, बहुत कुछ बातें इसमें ऐसी थी जो समझनी है, और प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी इसमें काफी ज्यादा थी। अच्छा, आगे आपको ठीक से समझ में? Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान है, हमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना। एक साउंड का सोर्स है यहाँ एस, और ये वेव्स को इमिट करता है जिसकी वेवलेंथ लैम्ब्डा है, एंड दीज वेव्स आर गोइंग टू टेक 2 डिफरेंट पाथ। ए जो है ये डायरेक्ट है, और पाथ बी जो है, मतलब ये ऐसे जाएगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पॉइंट क्यू तक ये पहुंचेगा। ठीक है, आफ्टर 5 डिफरेंट रिफ्लेक्शन, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। कौन जा रहा? माइक ऑफ रखो, किसी का माइक ऑन हो गया, देखो माइक ऑफ रखो। सो आई वाज ऑन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन के क्यू तक जो वेव्स पहुंच रही हैं, या तो वो डायरेक्ट आ रही हैं ऐसे, या फिर ऐसे आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आ रही हैं। अब हमसे ये पूछा है कि मिनिमम इंटेंसिटी अगर हम क्यू पर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उस मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये डी का वैल्यू कितना रहना चाहिए, जो कि ऐसा 2D, 2D, D, D ऐसे बताया ना, ये डी का वैल्यू कितना रहना चाहिए,
और वो भी हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले यहां आप नोटिस करें कि पाथ ए की डिस्टेंस कितनी है, पाथ ए का डिस्टेंस कितना है सोर्स से क्यू तक पहुंचना है, डायरेक्ट पहुंचे तो कितनी, शाबाश, क्योंकि 2D तो यहां तक हो गया इसका और उसके बाद ये ऊपर का ये बचा हुआ हिस्सा डी। तो मैं इसे कुछ ऐसे बता सकता हूं, यहां से यहां तक का तो 2D था और ये डी, ये देखते ही समझ में आता है ये पैरेलल और इक्वल होने चाहिए और ये पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, तो 2D और इधर का डी, तो टोटल पाथ ए में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 3D। अब बात करते हैं कि पाथ बी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। पाथ बी मतलब पूरा यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां, तो यहां से यहां कितना, 2D 4D 5D 6D 7D। तो पाथ बी में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना हुआ, 70। अब इन दोनों चीजों को देखकर सीधे सीधे समझ में आता है कि देयर इज अ पाथ डिफरेंस, कि जो वेव यहां पहुंच रही हैं क्यू तक उनके पाथ में डिफरेंस है। एक वेव 3D इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है और एक वेव ऐसे लंबा चौड़ा 7D इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, तो व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस, 4D। वेरी गुड, दैट विल बी 4D 3D एंड आई कैन क्लेम एन आंसर 4D। बट अब आप ये सोचो कि आपको पॉइंट क्यू पर क्या बनाना है, मिनिमा बनाना है कि मैक्सिमा बनाना है, मिनिमा बनाना है। मिनिमा का मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव, आपको डिस्ट्रक्टिव बनाना है। तो सबसे पहला डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, लैम्बडा बाय 2। वेरी गुड, वेरी सिंपल, मतलब ये पाथ डिफरेंस एनी हाउ इक्वल होना चाहिए लैम्बडा बाय 2। काम खत्म, बताइए डी इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा बाय 8। बस यही आंसर था आपका, दैट्स इट, नथिंग मोर टू थिंक ऑन इट, एकदम सीधा साधा, क्लियर है? यस सर। ओके, आइए अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट विल ट्राई, आई गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। Find the resultant amplitude and phase of a point at which n sinusoidal waves, अब resultant amplitude भी निकालो बोल रहा है और phase भी निकालो बोल रहा है, जिसमें n sinusoidal waves interfere करते हैं, n मतलब कितने भी हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 50, कितने भी हो सकते हैं, हर एक वेव का अपना इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कितना है, A है, और हर एक वेव एक सक्सेसिव पाथ डिफरेंस के साथ आ रही है, सॉरी फेज डिफरेंस के साथ आ रही है, और वो कितना फेज डिफरेंस रखती है, 5। अब यहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फेज डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब पहली और दूसरी में 5, दूसरी और तीसरी में भी 5, तीसरी और चौथी में भी 5, चौथी और पांचवी में भी 5, मतलब हर एक में 5 5 5 5 ऐसा फेज डिफरेंस आता है। तो हमें ये निकालना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा और फेज कितना होगा अगर हम ऐसी वेव्स को कंबाइन कर लें तो। ठीक है, मैं इसे टू द पॉइंट फॉरन नहीं जाता हूं, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ वेव्स हमारे पास हैं, ये वेक्टर्स होती हैं, हम सब जानते हैं कि सुपरपोजिशन के केस में वेक्टर एम्पलीट्यूड्स या वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ये दूसरी वेव है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये तीसरी वेव है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, ये चौथी वेव है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, और हर एक वेव के बीच में, हर एक एम्पलीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के बीच में अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल में डिफरेंस निकालते जाऊं, फेज में डिफरेंस निकालते जाऊं, तो हर बार मुझे कितना कितना मिलता जाएगा, 5 5 5। तो मैंने उसका एक वेक्टर फॉर्मेट बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं, I have just drawn a kind of vector of it. अब आप सोचो कि इन सब का रिजल्टेंट कैसे आएगा, केयरफुली देखें तो इन सब का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा,
out of order. Out of order. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आपको याद आ रहा है ना समझ में? यस सर. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात हो रही है ये. इन सबका रिजल्टेंट तो ऐसे आ जाएगा. अब इस रिजल्टेंट का भी कहीं ना कहीं एक कॉमन एंगल हम क्लेम कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने बोला कि भाई ये कॉमन एंगल है इनका, और हर एक वेव को मैं करस्पॉन्डिंगली ऐसे ऐसे बता रहा हूं. पाए 2 phi, 3 phi, 4 phi, ऐसे करते करते. तो एक बड़ा सा कॉमन एंगल कितना होगा यहाँ पे, जानते हो कितना होगा? n phi. अब फिलहाल क्योंकि मैंने 4 वेक्टर इस्तेमाल करे हैं तो 4 phi आ जाएगा. ऐसे अगर मैं 10 वेक्टर इस्तेमाल करता हूँ तो 10 phi आ जाएगा. और अगर ऐसे मैं n नंबर ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ कॉमन आंसर क्या मिलेगा मुझे? N5. जबकि मुझे ये समझना चाहिए कि हर एक केस में ये वाले जो छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं ये कितने बन रहे हैं? Phi ही बन रहे हैं. तो ये हो गया रिजल्टेंट फेस N5. इतना इनका रिजल्टेंट फेस एंगल बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर का. अब ऑब्वियस बात है कि ये जो रेड में मैंने बनाया ना, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर. ये है बेटा इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR. जबकि यहां मैं हर एक इंडिविजुअल वेक्टर को देखूं तो ये ए इतना साइज रखेगा, ये ए इतना साइज रखेगा, ये अपने आप में ए इतना साइज रखेगा, ये अपने आप में ए इतना साइज रखेगा, एंड सो ऑन. बात आ रही है समझ? यस सर. अब इसमें और थोड़ी सी ज्योमेट्री का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये AR की वैल्यू हमें निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी. तो मैं क्या करता हूं कि इतनी पूरी बड़ी डायग्राम में से सिर्फ एक सेक्शन को यहां से उठा लेता हूं, एक सेक्शन सीधा सीधा एक सेक्शन उठाता हूं यहां से, और उस एक सेक्शन को जरा सीधा करके आपके सामने बनाता हूं ताकि आप डायग्राम को प्रॉपरली फील कर पाए. ये ऐसी है, यहां जो एंगल बना ना, कितना बना वो? Phi. और ये जो वेक्टर यहां आया ना, ये वाला A. अब एक काम करें, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, कट इट इनटू 2 पार्ट्स. तो जारी बात है, आधा एम्पलीट्यूड का कितना हो जाएगा? A by 2. अभी आधा एम्पलीट्यूड हो जाएगा A by 2, और जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 5 by 2 हो जाएगी, 5 by 2 इधर, और ये भी हो जाएगी 5 by 2 इधर. टोटल तो 5 है. ठीक? Yes, sir. इसमें अगर मैंने tan 5/2 या cos 5/2 इस तरीके का रेशो लिया, cos वाला 5/2 का रेशो लिया, या कह लीजिए sin 5/2 का अगर मैंने रेशो लिया, तो क्या मिलेगा? A/2 / 5/2. ठीक है, sin या tan इस तरीके का रेशो लेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा बड़ा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. तो हम बोलेंगे अपोजिट साइड है ना, डिवाइडेड बाय ये, या तो हाइपोटेनियस मान लें या फिर ये वर्टिकल हाइट मान लें आप. ठीक, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो साइड है यहां से, ये वाला जो साइड है, इसको सीधे सीधे कुछ एक नाम दे दें R, और मुझे बताएं कि आप इस सिचुएशन में साइन ऑफ 5/2 कैसे लिखेंगे? A/2 / R. वेरी गुड. तो आप लिखोगे A/2 / R, मतलब पता चला A/2 = R sin 5/2. अब बच्चों यही काम ना आपको यहां पे भी करना है, ये सेम काम यहां पे करना है. ठीक है, इधर तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मुझे R ही बोलना पड़ेगा. एक वेक्टर मैंने उठाया था ना ऐसे, ये एक कॉर्नर पीस मैंने उठा के यहां सीधा बना दिया था ताकि आपको समझ में आए. यस सर. तो ये वाली चीज मैंने यहां से उठाई. अब मैं इस रिजल्टेंट का आधा करता हूं, तो रिजल्टेंट का आधा कितना हो गया? N/5. A रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय 2. एंगल भी आधा कर देता हूं,
आधा एंगल कितना हुआ? n pi by 2. n pi by 2. और याद रहे कि ये जो डिस्टेंस है ये r. तो यहां पर भी आपको इस तरीके का एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ये ये और ये दिख रहा है. यस सर. इस ट्रायंगल में भी आप लिखो साइन ऑफ n pi by 2. ar by 2 by r. वेरी गुड. साइन ऑफ एन फाइव बाई टू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लिखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हाफ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हाफ विल बिकम इक्वल टू आर साइन एन फाइव बाई टू. अब ये जो दो इक्वेशन आपको मिली है ना, इन दोनों का आपने रेशियो लेना है, बस आपका आंसर आ गया. तो आपने रेशियो लिया ए आर बाई टू डिवाइडेड बाय a by 2 is equal to r sin n phi by 2 divided by r sin phi by 2. ठीक हो रहा है? Yes. जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं कैंसिल करो, जैसे यहां से ये by 2 और ये by 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, r और ये r फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और बेटा आप इसे अगर रीअरेंज करोगे तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा ए आर इज इक्वल टू ए, देन देयर इज अ रेशियो साइन एन फाइव बाय टू, एन फाइव बाय टू डिवाइडेड बाय साइन फाइव बाय टू. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था प्रॉब्लम ये, क्योंकि वेक्टर अजम्पशंस जरा ज्यादा थे इसमें, बट इस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं. इसका यूजुअल इसी तरीके का सॉल्यूशन मुझे बार बार देखने को मिलता है. अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ फोर वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करो, तुम चाहो तो सेवन एट टेन नाइन कितने भी थ्री वेक्टर्स का भी रिप्रेजेंटेशन करके तुम यही डायग्राम बना सकते हो, और इसी तरीके से फर्दर ऑन अपने एक्सप्लेनेशन को कैरी कर सकते हो. और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, आप चाहें तो इन रिजल्ट्स को ठीक से याद रखें. आ गया समझ में? यस सर. ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन देखिए, फिर अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे. अ सोर्स इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. तो ये 2 मीटर डिस्टेंस है. अ डिटेक्टर इज आल्सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट द सेम डिस्टेंस. तो ये डिटेक्टर है. फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द डिटेक्टर. सोर्स और डिटेक्टर के बीच का कम से कम डिस्टेंस. फॉर विच द डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम साउंड. मैक्सिमम साउंड, तो सबसे पहले तो ये चीज मैं आप ही से सुनना चाहता हूं. फॉर मैक्सिमम साउंड पाथ डिफरेंस कितना कितना होना चाहिए? जीरो लैम्डा, लैम्डा टू लैम्डा. वेरी गुड. और इसी तरीके के सीक्वेंस में, अब देखो ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ना, ये हम सब जानते हैं कि ये 2 मीटर. 2 मीटर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बेटा x by 2, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा x by 2. इस हिसाब से एक छोटे से कैलकुलेशन से मुझे समझ आएगा कि इस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 प्लस by 2 स्क्वायर x by 4. और ये नीचे आने वाले डिस्टेंस को भी मैं लिख सकता हूं इसी तरीके से 4 प्लस x स्क्वायर by 4. ठीक है? Yes, yes. अब आप सब मुझे बताएं कि साउंड डिटेक्टर तक अगर दो तरीके से पहुंच रहा है, डायरेक्ट और दूसरा रिफ्लेक्शन के बाद, तो हम पार्ट डिफरेंस कैसे लिखें? इस तरीके का प्रॉब्लम मैं ले चुका हूं आपको प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस लेक्चर में. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा. टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 4 प्लस x स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स. आया समझ में? यस सर. क्योंकि यहां ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा तो ये डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, और फिर सीधे आएगा तो ये डिस्टेंस x हो गया. हम यहां डिटेक्टर पर क्या सुनना चाहते हैं? मैक्सिमम साउंड. साउंड साउंड तो सुनेंगे भाई, लेकिन किस रेफरेंस में? मैक्सिमा के कंस्ट्रक्टिव रेफरेंस में या डिस्ट्रक्टिव रेफरेंस में? कंस्ट्रक्टिव. तो फिर हमें पार्ट डिफरेंस कम से कम कितना लेना चाहिए?
जीरो जीरो, यहां गलती करोगे। अगर तुमने यहां गलती से जीरो पुटअप किया अंडर अजम्पशन कि तुमको कम से कम पार्ट डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन करना है मिनिमम डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप गलती करोगे क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम में जीरो पार्ट डिफरेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स और ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। जिसने जीरो बोला उसे समझ में आई बात ये? जीरो तुमने बोला, बिल्कुल लॉजिकली बोला तुमने कि भाई हमको कम से कम डिस्टेंस सर्च करना है, कम से कम डिस्टेंस के लिए हम मिनिमम पार्ट डिफरेंस का अजम्पशन लगाएंगे, कम से कम कितने पार्ट डिफरेंस पे हमें मैक्सिमम मिल सकता है, तो हम बोलेंगे सर जीरो। बेटा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इस ज्योमेट्री में जीरो पार्ट डिफरेंस पॉसिबल है? नहीं है। जीरो पार्ट डिफरेंस का मतलब जान रहे हो? जीरो पार्ट डिफरेंस का मतलब तुम ये कह रहे हो बेटा कि ये दोनों ज्योमेट्रिकली जो है इसके इक्वल है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर कम से कम कितना पार्ट डिफरेंस हम यहाँ पर पॉसिबली दे सकते हैं? लैम्डा। शाबाश, तो ये हम पार्ट डिफरेंस हटा देंगे यहाँ से और इसकी जगह हम लोग मेंशन करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया टू। फर्दर हम इसको आगे लिखना शुरू करते हैं, फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर, और थोड़ा केयरफुली बाहर की तरफ लिखें माइनस एक्स। अब हमें लैम्डा पता नहीं है, तो हम लैम्डा पता करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए और कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है और क्वेश्चन में स्पीड दिया है, तो हम सिंपली इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एन मैं इस वर्ड का यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं वो एन नंबर है इंटीजर के हिसाब से या फिर क्या है। एफ का इस्तेमाल करते हैं, कितनी स्पीड है 360, इतनी फ्रीक्वेंसी है उसकी 180 into whatever the lambda, after calculation हमें lambda का आंसर मिलता है 2 meter, ठीक है? Yes or no? Yes sir. Now what you do, lambda की जगह आपने लिख दिया 2 is equal to again ये 2 and then under root में 4 plus x square by 4 minus x. सिंप्लीफाई दीज थिंग्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन हुआ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये एक्स इधर गया, इसका आपने करना है स्क्वायर, आपने इसका करना है स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, एक स्टेप में इंटेंशनली बढ़ा रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन तकलीफ वाला नहीं लगे, 4 10, 4 plus x square by 4, क्या कहते हो? 4 plus 4x plus x square is equal to 16 plus x square, ठीक है? Yes. इधर वाला x square और इधर वाला x square तो कट गया, बराबर जा रहे हैं? 4x is equal to 12, 16 में से ये 4 माइनस होगा, x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो गिवन अरेंजमेंट में अगर आपने x इज इक्वल टू 3 मीटर इतना डिस्टेंस मेंटेन किया, तो इतने डिस्टेंस पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रिफ्लेक्टेड जो साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगा और डायरेक्ट जो साउंड डिटेक्टर तक पहुंचेगा वो आपस में सुपरपोजिशन होने के बाद हमें मैक्सिमा बना के देंगे। आ गया प्रॉब्लम समझ में? मॉड्यूल आपके पास है, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 ऐसे चार क्वेश्चन बाकी हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये स्केच पर बेस करते हैं। स्केच मतलब ये कि दो वेव्स अगर ओवरलैप हो रही हैं तो आपको उसकी स्केचिंग करनी है कि वो कैसे ओवरलैप होंगी और उनका रिजल्टेंट फॉर्मेट ऑफ वेव कैसा बनेगा, शेप कैसा बनेगा। तो इन चारों प्रॉब्लम्स को मैं अगले लेक्चर के लिए रिजर्व रखता हूं, अगले लेक्चर में हम इन चारों प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay. तो फिलहाल हम रुक जाते हैं।